रेजियो हमारे प्रोफेशनल करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और अक्सर हम देखते हैं कि जिन नौजवानों ने अच्छी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा होता है उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन उनको ये आर्ट नहीं आता कि अपने आप को रेजियोमे में प्रेजेंट कैसे करना है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके बहुत से आपको फॉर्मेट्स वगैरह ऑनलाइन भी मिल सकते हैं कुछ इसके डूज़ एंड डोंट्स बेसिक जब उसका फॉर्मेट आपने तय कर लिया अपनी आपने ब्रेन करके देख लिया कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल करनी है उसके बाद उसको इकट्ठा कैसे करना है उसके कुछ हम आ, टिप्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताते हैं बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने उसमें यू हैव टू स्टिक टू द ट्रूथ और अगर आप कोई बात गोल मोल करके गलत इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं तो द रीडर विल आइडेंटिफाई कि ये कोई वेक सी बात कर रहा है पता नहीं इसके पीछे क्या है सो डोंट ट्राई टू बी ट्रिकी अपनी आप अच्छी क्वालिटीज़ सब में बहुत सी होती हैं अचीवमेंट्स होती हैं आपने बहुत से काम किए होते हैं जो आपके जहन में नहीं आते उनको सोचें ढूंढें दोस्तों से पूछें और या अपने कॉलीग से पूछें बट डोंट मेक थिंग्स अप दैट्स नेवर अ गुड आइडिया और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा लोग गैर ज़रूरी भी दे देते हैं जैसे कि पेरेंट्स का नाम क्या है या हॉबीज़ का जिक्र अगर कोई वो रेलीवेंट हॉबीज़ हैं और सीरियस हॉबीज़ हैं जिनका कि उस काम से कोई रेलिवेंस बन सकती है या उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं या आपका कोई ऐसा स्किल शो करती हैं जो आपके वर्क प्लेस में काम आएगा तो आप ज़रूर बताएँ कि आपकी हॉबीज़ है वरना इसमें किसी को इंटरेस्ट हो सकता है ना हो तो उसको क्योंकि हम रेजिंग को चाहते हैं कंसाइस हो और ब्रीफ हो सो यू माइट वेस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस सेइंग रैंडम थिंग्स अबाउट योर सेफ्फ सो नथिंग शुड बी रैंडम अगर आप हॉबीज़ मेंशन करें तो उसके पीछे मकसद होना चाहिए सोच होनी चाहिए इट शुड बी वेल थॉट आउट कॉन्शियसली आपने उसको सोच के लिखा हो और उसके अलावा जब आप अपनी आ, करियर के बारे में बताएं तो अपनी अचीवमेंट्स भी बताएँ सिर्फ रोल ना बताएं या आपकी एकेडमिक करियर की भी जब आप बात करें तो आप अपनी अचीवमेंट्स उसमें भी बताएं बजाय ये कहने कि मैंने एम किया अगर आपने कोई पोजिशन ली है या किसी पेपर में टॉप किए या आपने एज एज अ स्टूडेंट आपने टीचर असिस्टेंट भी बने थे वो आप अपनी चीज़ें बताएं विच मेक यू और हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स तो अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं रोल्स भी तो आप बताएंगे लेकिन उसके साथ जो आपने कमाल करके दिखाया वो भी बताएं दैट्स वॉट द एम्प्लॉयर इज़ इंटरेस्टेड इन ऑब्वियसली रेलिवेंट एक्सपीरियंस को ढूंढें अगर आपने आर्ट कॉम्पिटिशन जीता था कोई स्कूल में उसको ज़रूर मेंशन करें अगर आप कोई डिज़ाइन रिलेटेड काम को बता रहे हैं सो यू मेक द पॉइंट कि ये तो शुरू से ही मेरे उसमें डीएनए का हिस्सा है और मैं तो ये हमेशा से यही किया लेकिन हो सकता है आप कोई और अगर चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं आ, आपने कोई आ, किसी और तरह का असाइनमेंट करना है आई से रिलेटेड है जिसमें डिज़ाइन का एलिमेंट नहीं है या आपने होटल में किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है देन इट मे नॉट बी रेलोवेंट अगर रेलिवेंस है तो उसको निकाल के हाईलाइट करें कि इस वजह से मेरे पास ये आर्ट स्किल है क्योंकि मैंने बचपन में भी ये कॉम्पिटिशन जीता था और मुझे हमेशा से इंटरेस्ट है सो हाईलाइट हाउ दैट इज़ रेलिवेंट बट डोंट थिंक कि जो मैंने बहुत बचपन में चीज़ की है वो रेलिवेंट नहीं हो सकती हो भी सकती है सो टेक इट इंटू कंसिड्रेशन और ई मेल आई डीज़ का बहुत मसला होता है सिमिलरली जो आपकी ये आजकल एम्प्लॉयर्स जो हैं वो फेसबुक पेजेस भी कई दफ़ा देख लेते हैं किसी का अपने एम्प्लॉयर के चेक करते हैं कि उसमें क्या उनके इंटरेस्ट्स हैं क्या बिलीव्स वगैरह हैं वेदर दे शुड डू इट और नॉट इज़ अ सेपरेट डिबेट लेकिन वो कर लेते हैं तो उसमें भी अगर आपने बहुत कोई अपने नाम जो हैं वो प्रिंसेस ये और प्रिंस वो टाइप के रखे हुए हैं या क्यू टी पा या इस तरह के सो डोंट हैव दोज ई मेल आई डीज़ ऑल्सो और अपने सोशल मीडिया पर भी ज़रा केयरफुल रहें बिकॉज दैट अफेक्ट्स योर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स और अपने जो आपके ई मेल आई डीज़ हैं उनको प्रोफेशनल रखें अपना नाम रखें या अपने नाम और सरनेम के पहले लेटर्स और उसके साथ बना के कुछ रखें बट मेक श्योर कि इट्स नॉट समथिंग रिडिकुलस और फ़नी और दैट गिव्स अ नॉन सीरियस इंप्रेशन स्पेशली अगर आपने उसको रेज्यूमेर के ऊपर लिखना है अगर आपको शौक है ऐसे तो वो एक पर्सनल आप अपना ई एड्रेस अलग रखें और बिजनेस कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करने के लिए एक और अलग रखें अगर आप डिज़ाइन की जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप ज़रूर फॉर्मेट उसका इंफ्रोग्राफिस टाइप का कर सकते हैं बट अगर कोई और पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी को अभी होल्ड पे रखें रेज्यूमे जो है अपने आप को शो करने की जगह जरूर है लेकिन उसमें डोंट डू समथिंग दैट विल मेक द द पोटेंशियल एम्प्लॉयर अ लिटिल वर्ड कि ये पता नहीं कैसा शख्स है यह क्या है सो so, क्रिएटिविटी को इसमें इट्स बेटर टू प्ले सेफ और जो एक सेट पैटर्न हैं उसी को आप फॉलो करके चलें अच्छा अक्सर अगर आप ये देखें कि रेज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए तो उसमें अक्सर ये कहा जा रहा होता है कि वन पेज रेज्यूमे कैसे बनाना है वन पेज रेज्यूमे होना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आसानी है उसमें इसको इतना इट हैज इट डज़ नॉट हैव टू बी सच अ हार्ड एंड फास्ट थिंग अगर आप अपने करियर के शुरू में और एक पेज में चीज़ें आ सकती हैं तो आप उसको ज़रूर एक पेज का करें लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप फॉन्ट साइजेस छोटे छोटे करके या लाइन स्पेसिंग कम करके या मार्जिन को श्रिंक करके आप हर चीज़ को एक पेज पर पे घुसाने की कोशिश करें अगर आपका करियर इतना लंबा है एंड देर इनफ थिंग्स जो आप शोकेस करना चाह रहे हैं तो आप उसको दो पेजेस तक लेके जा सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि और लेकिन ये कि ये मेक श्योर sure करें कि सबसे रेलिवेंट चीज़ें पहले सफ़े के ऊपर ही आ रही हूँ ताकि वो किसी की नज़र से मिस ना हो जाए या ये कोई ना सोचे कि अच्छा पहला पेज को देख सो, के सोचे कि अब मैं क्या देखूँ दूसरा पेज सो इट्स ओके टू गो अप टू टू पेजेस और की uh, वर्ड्स होते हैं किसी भी अगर आपने किसी जेंडर uh, से रिलेटेड स्टडी uh, के लिए या किसी आर्टिकल के या असाइनमेंट के लिए अप्लाई किया है तो मेक श्योर sure कि रेज्यूमे में वो की कहीं ना कहीं आ रहा हो कोई आपने जेंडर रिलेटेड कोर्स लिया है या कोई आर्टिकल कभी पहले लिखा है या किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया जस्ट मेक श्योर दैट मैंशनड डबल चेक करें स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स हो सकता है कि जल्दी में बेदहानी में हुए हो नॉर्मली आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो लिखने में लेकिन आपकी यही स्नैपशॉट अभी इंप्लॉयर के पास जा रही है सो मेक श्योर दैट इज़ एज़ परफेक्ट एज़ इट कैन बी और बेशक किसी और को दिखा लें उसको एडिट करने के लिए तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें आई मी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपने बारे में ही लिख रहे हैं तो वो दिस इज़ अंडरस्टूड कि आप अगर कहेंगे कि अटेंडेड कॉन्फ्रेंस दैट मीन्स आई अटेंडेड कॉन्फ्रेंस तो वो प्रोनाउ लिखने की ज़रूरत नहीं है दैट्स जस्ट नॉट द डन थिंग ऑन रेज्यूमज़ और जो करंट जॉब है उसके लिए प्रेजेंट टेंस जो गुजर चुकी है पास टेंस सो बी माइंडफुल ऑफ द टेंसेस और एब्रिवियशन अक्सर ऐसी होती हैं जो हो सकता है जो सीनियर मैनेजर हैं उनको नॉलेज में ना हो स्पेशली आईटी में बहुत सारी एब्रेवियशन होती हैं जो हर शख्स को शायद ना पता हूँ जो आप टेक्निकल लेवल पर काम कर रहे हैं और जो मैनेजीरियल स्टाफ है उनको ना मालूम हो सो मेक श्योर कि उसको आप एक्सप्लेन भी कर दें ताकि पढ़ने वाले की आसानी हो क्योंकि जब भी आप बनाएं तो पढ़ने वाले को जहन में रख के लिखें जो भी कुछ आ, आप लिख रहे हो अच्छा उसकी मेन जो हेडिंग्स हैं उसमें ये हो सकती हैं कि आप शुरू में अपना नाम बताएं आ, एड्रेस इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर्स कई दफ़ा जानना चाहते हैं कि आप कितनी दूर से आएंगे तो या आसानी से आप पाएंगे कि नहीं तो एड्रेस इसलिए रेलिवेंट होता है वैसे तो ये नहीं है कि अब आजकल कोई वो अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह तो घरों पर नहीं भेजे जाते बट इट स्टिल पीपल आर स्टिल वॉन्टिंग टू नो दैट थोड़ी सी आप दो लाइन्स में अपनी प्रोफाइल की समरी दे सकते हैं अगर स्किल्स वाला आप फॉर्मेट यूज़ करें तो स्किल्स बताएं और अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएं कि ये स्किल्स मैंने इस इस जॉब में अपने डिस्प्ले किए और ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें आपकी रोल्स और अचीवमेंट्स जो थी वो बताएं एजुकेशन में आपको बिल्कुल शुरू की स्कूलिंग तक जाने की ज़रूरत नहीं है आखिर वाली आप डिग्रीज़ या डिग्री या डिग्रीज़ बता सकते हैं और उसके अलावा वॉल्टियर वर्क या कम्यूनिटी सर्विस कोई प्रोजेक्ट्स किए वो आप आखिर में बता सकते हैं क्योंकि वो भी रेलिवेंट हैं और वो भी अब हर चीज़ में कंसिडर किया जाता है कि इस शख्स में ये वाली क्वालिटी है कि नहीं और इसकी ये बहुत सारी रिसोर्स हैं रेज्यूमर राइटिंग की इसमें आप देख सकते हैं रेज्यूम जीनियस इज़ देयर और मैनेजमेंट स्टडी गाइड है और भी हैं तो इसमें आप जाके देख सकते हैं इन्होंने फॉर्मेट्स दिए हुए और डिफरेंट आपको उसमें आइडियाज़ uh, मिल सकते हैं एंड यू कैन सी वॉट सूट्स यू और जहाँ पे आप अप्लाई करने लगें उसके लिए क्या यूजफुल हो सकता है और जहाँ पे आप डाउट में हो इट्स बेटर टू स्टिक टू द मोर फॉर्मल एंड लेस रिस्की रूट दैट इज़ माई एडवाइस